नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, भारतमाला परियोजना जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हाईवे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक हाईवे प्रपोज था तमिलनाडु में चेन्नई से लेके सेलम तक। इस हाईवे के निर्माण के लिए लैंड को भी एक्वायर कर लिया गया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन के बाद किसानों का विरोध होना स्टार्ट हो गया इस प्रपोज हाईवे के अगेंस्ट और लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट। अगर देखो चेन्नई से सेलम ये हाईवे बन जाता है तो बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डाइवर्ट होगा और बहुत सारा रिजर्व फॉरेस्ट का जो एरिया है वो भी डाइवर्ट होगा। और चूंकि आसपास फॉरेस्ट है तो इंडेंजर्ड एनिमल्स की जो पोचिंग है वो भी ज़्यादा होने लगेगी। तो इन सब चीज़ों से के संदर्भ में मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट में। पीवी कृष्णामूर्ति वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इस 8 लेन के हाईवे के निर्माण के लिए जो लैंड एक्विजिशन हुआ है वो गलत है। मद्रास हाईकोर्ट ने उस लैंड एक्विजिशन को रद्द कर दिया। समझ गए, मतलब इस हाईवे के निर्माण करने के लिए जो लैंड एक्वायर किया गया था उसको क्वेश कर दिया गया मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। मद्रास हाईकोर्ट ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे गवर्नमेंट से। मेन क्वेश्चन ये था, क्या आपने इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया है? तो सरकार ने जवाब दिया कि देखो, नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंतर्गत किसी भी हाईवे के निर्माण के लिए हम लैंड को एक्वायर कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सरकार के इन आर्गुमेंट्स को मद्रास हाईकोर्ट ने नहीं माना और जो लैंड एक्वायर किया गया था उसे क्वेश कर दिया गया। लेकिन सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो फैसला दिया था लैंड एक्विजिशन को रद्द करने का पीवी कृष्णामूर्ति वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में, इस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। और अब सुप्रीम कोर्ट का इस हफ्ते फैसला आ सकता है इस इश्यू पर, इस केस में। राइटर के द्वारा देखो ये कहा जाता है, 1987 के आसपास एक यूएन बैक्ड पैनल था नॉर्वे के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में, और उस पैनल ने एक कंसेप्ट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखो सिंपल मतलब ये है, प्रेजेंट जनरेशन अपनी जरूरतों को पूरा करें, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करते वक्त वो आने वाले जनरेशंस की जो क्षमता है जरूरतों को पूरा करने की उसे प्रभावित ना करें। मतलब रिसोर्सेज को हम इस प्रकार से यूज ना करें कि रिसोर्सेज आने वाले जनरेशंस के लिए खत्म ही हो जाएं। तो कोर्ट्स की एक अहम भूमिका हो जाती है, रोल हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने में। लेकिन अगर देखो सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर हम नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से बैलेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश करती है डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच में। जैसे वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम से संबंधित केस में जस्टिस कुलदीप सिंह ने यह कहा था, डेवलपमेंट और इकोलॉजी दोनों एक दूसरे के अपोज नहीं है। मतलब ये व्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो आप डेवलपमेंट को चूज कीजिए या फिर इकोलॉजी को, बैलेंस इस्टाब्लिश करना जरूरी है, ये कहा था जस्टिस कुलदीप सिंह ने। एक और केस का एग्जाम्पल दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के एक केस में कुदेरमुख नेशनल पार्क से संबंधित अपना वर्डिक्ट दिया था और कहा था, कुछ लोगों के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया जा सकता है अगर ज़्यादा लोगों को फायदा होता है उस चीज़ से। तो यहाँ पर भी बैलेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है कि बैलेंसिंग का टाइम अभी चला गया है, ग्लोबल वार्मिंग तेजी से हो रही है और क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है अब वो रियलिटी है, तो बैलेंसिंग का टाइम अब चला गया है। कोर्ट्स को भी अब इंपॉर्टेंट फैसले देने चाहिए इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की दिशा में। हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया था, लैंड एक्विजिशन को रद्द किया गया था मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, ये फैसला बिल्कुल ठीक था। उम्मीद की जाती है सुप्रीम कोर्ट भी इसी लाइन पर अपना वर्डिक्ट सुनाएगी। देखो फिलहाल के समय में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बहुत बार इन्वायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं डेवलपमेंट लाने के लिए, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और हाल फिलहाल में सरकार ने काफ़ी ऐसे निर्णय लिए हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो क्लियरेंस लेनी होती है उसे डाइल्यूट कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सरकार इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए
परमिशन को डाइल्यूट कर देती है, क्लियरेंस को डाइल्यूट कर देती है, तो कोर्ट्स का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोर्ट्स शॉर्ट टर्म ना सोच के लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ अपना वर्डिक्ट सुनाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।